अंगूर चाहे कितने भी मीठे क्यों ना हो, लेकिन उन्हें खाते वक्त दांत खट्टे हो ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगी है, लेकिन ममता है कि कांग्रेस पर ममता दिखाई नहीं रही। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां हारती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह बनारस में बीजेपी को हराकर दिखाए। ममता ने आगे कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी लेकिन मुझे बताया तक नहीं। हम इंडिया गठबंधन में है लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी तक नहीं है। मुझे प्रशासन ने इसके बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते, आप राजस्थान में भी चुनाव नहीं जीते। हिम्मत है इलाहाबाद में जाकर जीत कर दिखाओ, बनारस में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। सीएम बनर्जी ने कहा, उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की इच्छुक थी लेकिन कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ममता ने आगे ये भी बताया कि इंडिया गठबंधन में टीएमसी की कांग्रेस के बात क्यों बिगड़ी। ममता के अनुसार हम गठबंधन के लिए तैयार थे, उन्हें 2 सीट की पेशकश की थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अब उन्हें यानी कांग्रेस को राज्य की सभी 42 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने दें। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के बयान से राजनीति के चर्चा का बाजार गर्म है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।